सुप्रभात छात्रों, आज मैं पुनः आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध के प्रिय प्रवास से लिया हुआ जो काव्य है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले हम कुछ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना आपको चाहेंगे। जैसा कि इनका जन्म सन 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता भोला सिंह उपाध्याय थे और इनकी माता रुक्मणी देवी थी। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में वर्नाक्यूलर मिडिल पास करने के लिए क्वीस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन पूर्ण न कर सके। इनकी शिक्षा स्वाध्याय से ही हुई, जिनमें इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की अच्छी जानकारी प्राप्त की। इनकी जो शैली थी वह मुक्तक थी एवं प्रबंधन शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सभी जानते हैं कि हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके अलावा इन्होंने चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही बनवास, रुक्मणी परिणय, रस कलश जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, और अधखिला फूल उपन्यास आदि इनकी रचनाएं हैं। हरियौध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, परंतु जब इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी से साथ मिला, महावीर प्रसाद द्विवेदी का साथ मिला, तो उनसे प्रभावित होकर के यह खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को एक नया रूप प्रदान किया। भाषा भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताओं को स्थापित की। इन्होंने संस्कृत की अनेक छंदों का भी प्रयोग अपने लेखन में किया। इस प्रकार बच्चों, अब हम समय को बर्बाद न करते हुए पवन दूतिका जो प्रिय प्रवास से लिया गया है, जो खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य है, इसकी इस काव्य का सस्वर वाचन करेंगे। बैठी खिन्न एक दिवस वेगेह में थी अकेली, आके आशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल व्यातनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलुषिती, क्या तू भी है कुलुषित हुई काल की क्रूरता से। बच्चों, संदर्भ के अंतर्गत हम इस पद्य का यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सार गर्भित पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रिय प्रवास खड़ी बोली गद्य के प्रथम महाकाव्य के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस पद में राधा के विरह का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है कि राधा किस प्रकार से पवन को दूतिका बनाकर, यानी पवन को अपना दूत बना करके और श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और अपने विरह का किस प्रकार वर्णन करती हैं। तो बच्चों, अब हम इसका व्याख्यान देखेंगे। बैठी खिन्न एक दिवस में गेह में थी अकेली। बैठी, बैठी मीन्स बैठना। खिन्न, खिन्न का अर्थ होता है दुखी। एक, एक मिस एक, दिवस मिस दिन, गेह मिस होता है घर, और अकेली मिस एकांत। एक बार राधिका अपने घर में दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी। आके आंसु दृग युगल में थे धरा को भिगोते, जो उनके आके आंसू, आंसू जो थे वह दृग युगल, युगल मिस होता है जोड़ा, दृग मिस होता है आँख,
आंखों के जोड़े से जो आंसू थे वह धरा को भिगो रहे थे। वह धरा को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंथ कोले। इस सदन में आई धीरे से, धीरे से पुष्प सदगंध। पुष्प मिस होता है फूल और सदगंध में सुगंध, यानी कि पुष्प के सुंदर सुगंध को लिए हुए घर में एक हवा धीरे से आई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन में। और प्रातः वाली जो हवा थी वह सुपवन यानी कि सुगंधित हवा थी वह वातायन से यानी कि इसी काल इसी समय खिड़की से, वातायन में होता है खिड़की से प्रवेश की, मतलब कि राधा एकांत में बैठी हुई हैं अपने घरों में दुखी अवस्था में और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं जो इस प्रकार गिर रहे हैं कि धरती को भिगो रहे हैं। उसी समय पुष्प की सुगंध लिए खिड़की से उनके घर में हवा का प्रवेश होता है। आगे की पंक्तियों में देखिए, संतापों को विपुल बढ़ाता देख है दुखिता हो, धीरे बोली सु दुख उससे श्रीमती राधिकायो। संतापों में होता है तेज, यानी कि जो उनकी विरह थी उसकी ताप जो थी वह विपुल में होता है अधिक, उनकी ताप जो थी वह बहुत अधिक बढ़ रही थी। देख दुखिता, यह देख करके दुखित होकर के, मतलब उनकी ताप जब हवा आई सुगंधित हवा तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनके तापों को यानी उनके विरह को और बढ़ाने लगी, तो वह दुखित होकर के बोली। श्रीमती राधिका बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कुलषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्यारी पवन, तुम मुझे इतना सुबह सुबह सुगंधित हवा दे करके क्यों सताती हो, क्या तुम भी कुलषित, कुलषित में होता है दूषित, क्या तुम भी काल की क्रूरता से यानी कि समय की क्रूरता से दूषित हो, यानी कि तुम भी मुझे परेशान करना चाहती हो। बच्चों इस प्रकार इसका व्याख्यान समाप्त हुआ। व्याख्यान के बाद आपका जो काव्यगत सौंदर्य है वह आप ध्यान देंगे। काव्यगत सौंदर्य के दो भाग होते हैं, एक भाव पक्ष एक कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत आप यह कह सकते हैं कि राधा ने पवन को अपनी व्यथा बताने की कोशिश की है इस पद में। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है जो प्रथम लाइन में दिखाई दे रहा है कि आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते, कि जो राधा जी की आंस है, राधा रानी की जो आंखें थी उनके आंसू जब दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे तो धरा को भिगो रहे थे, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार परिलक्षित होता है। और इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और जो छंद है इसमें मंद्रा कांता छंद है जिसमें 17 वर्ण होते हैं इस प्रकार। और भाषा जो इसकी है खड़ी बोली है, यह बताया ही गया है पहले, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यह है। तो और इसकी जो शैली है वह प्रबंधात्मक शैली है। तो बच्चों इस पद का सस्वर वाचन व्याख्यान एवं काव्यगत का सौंदर्य समाप्त हुआ। इसके बाद से आप अगले पद का सस्वर वाचन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर में मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। प्रसंग के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि राधा रानी अपने पवन को जो दूतिका बनाकर भेजती हैं तो वह आगे जाती है और उसे जलद यानी कि बादल से भेंट होती है और उसको कुंज की लताएं मिलती हैं और इसी प्रकार वह आगे बढ़ती जाती है। और किस प्रकार राधा रानी अपने विरह का इस प्रसंग में इसमें वर्णन की हैं, व्याख्यान कुछ इस प्रकार है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे, ए मेरे प्यारे, प्यारे किसको बोल रही हैं,
कृष्ण भगवान को। वह बोले कि हे मेरे प्यारे, हे मेरे कान्हा, नव जलद, नव मिस होता है नया, जलद मिस होता है बादल, यानी कि नए नए बादलों के समान दिखने वाले हे मेरे कंज से नेत्र वाले, और कंज मिस होता है आपका कमल, और कमल के नेत्रों वाले, यानी कि आप नए बादल के समान हो, यानी कि इस कृष्ण का जो वर्ण होता है वह सांवला होता है, उसकी उपमा वह नए बादल से करती हैं, और कंज के नेत्र वाले यानी कि कमल के नेत्रों वाले हो, यानी कि नए बादल और नए बादल वर्ण वाले और कमल के नेत्रों वाले मेरे कृष्ण, जाके आगे न मधुवन ये वो न भेजा संदेशा, कि ऐसे जो मेरे श्री कृष्ण थे वह मधुवन गए और मुझे कोई संदेशा नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय ब्रियह में बावली हो रही हूँ। राधा रानी कहती हैं पवन से कि हे पवन, मेरी बात सुनो कि मैं उनके विरह में रो रो करके बावली यानी पागल सी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम बहती हुई जाओ और मेरा संदेशा यह ले जा करके कि मैं उनके विरह में बावली हो रही हूँ, यह मेरे श्याम को सुना दो। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन, जब तुम मेरा भवन छोड़ करके थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुंदर कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो बड़े ही शोभा युक्त, मंजुमिश होता है सुंदर, कुंजमिश होता है कुंज की लताएं, जो बहुत सारी तुमको सुंदर सुंदर कुंज की लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर में मुंह लेंगी तुझे वो, तो तुमको अपनी मुंह में, अपनी प्यारी छाया में तुमको अपने मुंह में मुंह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जा विश्राम लेना, फिर भी तुम मेरा दुख लख कर यानी मेरे दुख को लख करके याद करके तुम वहाँ विश्राम मत करना, तुम अपना आगे बढ़ती जाना। तो बच्चों इस प्रकार से इस पद में उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो मंद्र कांता छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा इसकी खड़ी बोली है, और प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाव पक्ष के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि बड़ा ही मनोरम पवन के झोंकों के साथ मिले हुए दृश्य का वर्णन किया गया है। अगला पद बच्चों मैं इसका स्वस्वर वाचन करती हूँ। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्पा वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह यमान ना होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परश करके गाते उत्पात खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षित शा बनाना। बच्चों इस पद के उधर तो राधा ने अपने विरह के द्वारा अपनी ही बात कही है, परंतु इसमें राधा अपनी पवन दूतिका के सहारे अपने सामाजिक कर्तव्य को निभा रही हैं और बता रही हैं कि समाज में तुमको जो लोग मिलेंगे उनके प्रति तुम क्या उदारता के भाव बताना, इस पद के अंतर्गत बताई हुई हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सप्त पुष्प वाला, जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सरस, सरस मिस कि सरल, रव, रव मिस होता है कड़, यानी सरल कड़ों वाला धाम तुमको सप्त पुष्प यानी पुष्पों वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत ही अच्छे अच्छे सप्त पुष्प यानी बहुत सारे उसमें पुष्प खिले रहेंगे, सौंदर्यशाली तुमको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे परिदृश्य तुमको दिखाई देंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और जो प्यारा वृंदावन है वह इसकी शोभा इस प्रकार है जो तुम्हारे मन को भी मोहेगी, है मेरी पवन दूतिका। आना जाना इस विपिन से मुह यमान न होना, तुम उस विपिन से यानी उस परिस्थिति से जाना आना, लेकिन तुम उसमें रुकना मत, उसमें मुग्ध मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, यदि तुम जा रही हो और रास्ते में तुमको कोई क्लांत, क्लांत मीन्स जो कि बहुत ही मेहनत किया हुआ हो कोई व्यक्ति, यानी कि श्रमिक हो, थका हो, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों
को मिटाना। यदि कोई थका हुआ या कोई पथिक तुमको थका टाइप का मिले तो तुम उसके पास जा करके अपने मधुर हवा के द्वारा, अपने धीरे धीरे धीमी धीमी मधुर हवा के द्वारा उसको, उसकी जो उसकी जो क्लांतियाँ होंगी, जो थकान होंगी, उसको तुम मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात उत्तापाक होना, और धीरे धीरे उसको स्पर्श करके तुम उसके जो ताप होंगे, जो गर्मी होगी, उसको तुम खत्म करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और अपने सदगंधों से, अपने जो सुंदर तुम्हारे सुगंध हैं, उस श्रमित को जो कार्य कर रहा है और बहुत थका हुआ है, वैसे व्यक्ति को हर्षित, यानी कि तुम उसको हर्षित करना, उसको खुशी प्रदान करना। तो बच्चों, इस पद के काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, और जो छंद है वह मंदा कांता छंद है। और ये सब जो भी मैंने आपको विशेषताएं बताई वह कला पक्ष की हैं, और भाव पक्ष की विशेषताएं आप यह लिख सकते हैं कि इस पद के अंतर्गत राधा रानी ने सामाजिक सहयोग प्रदान करने की अपनी जो भाव है उसको अभिव्यक्त किया है। अच्छा बच्चों, तो इसके साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। पुनः अगले वीडियो में पवन दूतिका के अगले पद की व्याख्यान के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए साधुवाद।